नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी। मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट्स। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो प्रैक्टिस सेट्स हम आपको लिए पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन हैं। और ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो मैं आपको बताऊँगा, ये परीक्षा में 100% आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सभी बुकों से मैं ये कलेक्शन कर रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। पहला, छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है। यदि कोई छात्र हैं और छात्रों में सद्गुण यानी अच्छे गुणों का यदि हमें विकास करना है तो किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ही अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित हो, सद्गुणों की आवश्यकता व महत्व पर भाषण देकर, सद्गुणी छात्रों को पुरस्कार करके, दुर्गुणों से परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर। तो ध्यान रखिएगा, अब देखिएगा, एक आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि दंड देने से तो कोई मतलब नहीं है। सद्गुणी छात्रों को पुरस्कार, अब एक साइड छात्रों को पुरस्कार दे देंगे तो वो भी बात नहीं होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सद्गुणों की आवश्यकता व महत्व पर भाषण देकर, ये भी क्लास में भाषण देने की तो बात होती ही नहीं है। अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित हो, यदि अध्यापक का जो व्यवहार है वो सद्गुणों पर आधारित हो तो छात्र क्या है उससे सीख ले सकते हैं कि वो किस प्रकार के व्यवहार करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव आंसर ई आंसर मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। आपको एक ही वेतन में निम्नलिखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय का चयन करने को कहा जाए तो आप किसका चयन करेंगे। आपको जैसे कि चार व्यवसाय यानी चार जॉब दी गई हैं, पहली पुलिस की, दूसरी क्लर्क की, तीसरी अध्यापक की और फोर्थ है आपका फौज की, तो आप इसमें से कौन सा व्यवसाय चुनेंगे। तो अब ध्यान रखिएगा, जब आप अध्यापक के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप व्यवसाय भी अध्यापक का ही चुनेंगे। ऐसा तो नहीं है परीक्षा पुलिस की देने जा रहे अध्यापक का आप व्यवसाय चुन लेंगे या फिर अध्यापक की देने जा रहे तो पुलिस का व्यवसाय चुन लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, अध्यापक की एग्जाम देने जाएंगे तो अध्यापक की क्यों देने जा रहे, क्योंकि आप अध्यापक का व्यवसाय चुनना चाहते होंगे, है ना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं, इस बात का यदि आपसे कोई पूछे तो आपके पास क्या जवाब होगा। जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें, जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें, इससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकें, आप बच्चों को अनुशासन में रख सकेंगे। तो देखिएगा क्या है, एक्चुअल में आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा क्यों कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करके हमको क्या करना है। तो जिससे आपकी प्रशंसा करें बच्चे, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा है, जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें। सबसे पॉजिटिव आंसर होता है कि हम शिक्षा इसलिए प्राप्त करते हैं कि हम कोई भी काम करें अपने भविष्य में शिक्षा प्राप्त करने के बाद तो हम उसमें प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले सकें। यदि हम अपने काम में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, आपको पाठ्यक्रम निर्माण समिति में रखा जाता है। यदि आपको पाठ्यक्रम निर्माण समिति में रखा जाता है तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे। सपोज दैट जहाँ पर सिलेबस तैयार किया जा रहा है वो यदि उस कमेटी में आपको रख दिया जाए, आपको उस कमेटी का सदस्य बना दिया जाए, तो आप उसमें से कौन सी बात ध्यान में रखेंगे। पाठ्यक्रम खूब कठिन हो, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे, पाठ्यक्रम को सरल बनाएंगे, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं हो। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या करेंगे, देखो पाठ्यक्रम खूब कठिन हो ये तो हो नहीं सकता। ये तो हमें ध्यान देने चाहिए कि बच्चे किस स्तर का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, हम किस स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं, प्राइमरी को बना रहे हैं, मिडिल को बना रहे हैं, जिसको भी बना रहे हैं उस हिसाब से हम पाठ्यक्रम बनाएंगे। तो ये आंसर नहीं होगा, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। वो आंसर इसलिए सही होगा कि हम पाठ्यक्रम ऐसा बनाएंगे कि वो हमारी जो शिक्षण है, शिक्षा है, उसके उद्देश्य की पूर्ति करे। प्राथमिक स्तर के लेवल का जो बनाना है उसमें प्राथमिक स्तर के बच्चों को समझ में आना चाहिए, है ना। मिडिल स्कूल के लिए बना रहे हैं तो मिडिल स्कूल के बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो उसमें जो उद्देश्य पूर्ति हो जाएगी इसी माध्यम से हम अपने उसका पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की शिक्षा के साथ, मतलब आज वर्तमान की शिक्षा के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं,
आपके ऊपर यदि इन समस्याओं के समाधान के लिए कहा जाए तो आप कहाँ से शुरू करेंगे। सपोज दैट आज जो शिक्षा है, आज की शिक्षा में बहुत सारी परेशानियां हैं। यदि आप कोई अधिकारी बन जाए एग्जाम्पल के तौर पे, और आप चेकिंग करने गए या फिर आपको किसी चीज़ का सदस्य बना दिया जाए, आप चेक कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? प्राथमिक स्तर से, किसी भी स्तर से, माध्यमिक स्तर से या विश्वविद्यालय स्तर से। तो ध्यान रखिएगा, हम इन चीज़ों को सुधार करेंगे तो प्राथमिक स्तर से ही सुधार करेंगे, क्योंकि यदि हम प्राथमिक स्तर से सुधार करेंगे तो बच्चों की उसमें नींव मजबूत हो जाएगी, और जब नींव मजबूत होती है किसी भी घर की, तो सपोज दैट ऐसा मान के चलेगा वो घर अच्छा रहता है और बारिश में वो ढहता नहीं है। यदि मान लिए घर की नींव मजबूत नहीं हुई तो बारिश में ढह होने के चक्कर रहता है, बारिश में से पानी गिरने का चांसेस बने रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हम प्राइमरी पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को अच्छे शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रोत्साहन देना उचित है? यानी जो शिक्षक हैं, यानी शिक्षक को अच्छे शिक्षण हेतु, यदि कोई टीचर है वो एक कक्षा में अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, तो उसको क्या प्रोत्साहित देना चाहिए, क्या इनाम देना चाहिए, क्या गिफ्ट देना चाहिए जिससे शिक्षक को अच्छा लगे? उनको विशेष पारितोषिक देना चाहिए, उनका नाम समाचार पत्रों में देना चाहिए, उनके वेतन में वृद्धि करना चाहिए या उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, या कोई भी शिक्षक वाली बात नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉय यदि अच्छा काम करता है तो इन सब चीज़ों तो बात की बात है, लेकिन उसकी वेतन बढ़ाना चाहिए। यदि उसकी वेतन में वृद्धि होती है तो उस आदमी को अंदर से एक पॉजिटिवनेस आती है और पॉजिटिव थिंकिंग आती है, उसको लगता है कि चलो भाई दो पैसे बढ़े हमारे परिवार के काम आएंगे, ये पैसे हमारे लिए अच्छे काम में हम लगा सकते हैं, इसलिए उसकी वेतन बढ़ाएंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो अपने काम में भी रुचि लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे? यदि आप इस टाइम प्राइमरी लेवल के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका प्राइमरी लेवल में हो जाता है और आप टीचर बन जाते हैं, तो आप इसके बाद क्या करना पसंद करेंगे? घर के पास विद्यालय में शिक्षा बनना, शिक्षक बनना, सरकारी विद्यालय में नौकरी करना, अंग्रेजी विद्यालय में नौकरी करना, किसी भी विद्यालय में शिक्षण करना। तो इसका देखिएगा, ये डिपेंड करता है, घर के पास विद्यालय में शिक्षक बनना ये अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा है सरकारी स्कूल विद्यालय में नौकरी करना, अंग्रेजी विद्यालय में नौकरी करना। लेकिन एक अच्छे शिक्षक का गुण ये होता है कि हम किसी भी विद्यालय में शिक्षण कर लेंगे, क्योंकि उसको तो शिक्षा देना है। यदि उसने अपना व्यवसाय ही चुन लिया है कि मुझे शिक्षक बनना है, मेरे को शिक्षा देनी, तो वो कहीं भी रह कर दे सकता है, उसमें नज़दीक पास और सुख सुविधाओं वाली बात हो ही नहीं सकती। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, आप अध्यापक की व्यवसाय में किस कारण से आए हैं? यदि आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप अध्यापक के जो व्यवसाय में, अध्यापक की नौकरी में क्यों आए हैं? आपके अभिभावक यह चाहते थे, आपको कोई व्यवसाय मिल नहीं पाया, आपकी इस व्यवसाय में रुचि थी, आप अपने मित्र के कहने पर चले आए। तो ध्यान रखिएगा, देखिए जब कोई भी व्यवसाय हम करते हैं तो तभी करते हैं जब हमारा उसमें इंटरेस्ट हो, हमारी उसमें रुचि हो, है ना, जिस काम में हमारी रुचि होगी तभी हम करते हैं, तो रुचि वाली बात आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस प्रकार की व्यवसाय में जाना पसंद करेंगे? यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, आप कोई नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आप किस प्रकार के व्यवसाय में जाना पसंद करेंगे? जिसमें आप बहुत अधिक धन जमा कर सकें, जिसमें आपको ख्याति मिल सके, जिससे आपको शांति मिल सके, या जिससे आपको खूब घूमने को मिल सके। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे सही आंसर होगा कि देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, कोई भी नौकरी कर लो, आज के समय में काम हर जगह करना है, टेंशन हर जगह मिलनी है ना, भाग दौड़ हर जगह करनी है, काम वहीं करो, वेतन हर जगह कम मिलनी है, ये बात भी मैं आपको बता दूँ, है ना, काम वहाँ करो जहाँ आपको अच्छा काम हो और आपको शांति मिले, क्योंकि आपको मस्तिष्क का तनाव ना हो। यदि आपको मेंटेलिटी प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ऐसा काम और ऐसा पैसा कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति का दायित्व किस पर होना चाहिए? यानी जो विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर लोग होते हैं, उनकी नियुक्ति का जो दायित्व है वो किस पर होना चाहिए? सरकार पर,
या फिर रजिस्ट्रार पर, या विश्वविद्यालय के कुलपति पर, या एक विशेष आयुक्त पर। तो ध्यान रखना, जो आपकी प्रोफेसरों की जो भर्ती होती है ये किसके माध्यम से होती है, जैसे मध्य प्रदेश में होगी तो MPPSC के द्वारा होगी, छत्तीसगढ़ में तो CGPSC के द्वारा, जो आपका चयन आयोग होता है ना, तो चयन आयोग के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि ये PSC लेवल की एग्जाम है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र के आज के छात्र में पढ़ने की आदत समाप्त होती जा रही, मतलब आज के जो छात्र हैं उन लोगों में पढ़ने की जो जिज्ञासा है वो आदतें हैं समाप्त होती जा रही हैं। आप अपने छात्रों में स्वास्थ्य की आदत को कैसे विकसित करेंगे, छात्रों में सॉरी स्वाध्याय की आदत, स्वाध्याय मतलब स्वयं पढ़ना है ना, सेल्फ स्टडी जिसे हम बोलते हैं। तो आज के छात्रों में पढ़ने की आदत समाप्त होती जा रही है, आप अपने छात्रों में स्वाध्याय की आदत को कैसे विकसित करेंगे, उनको अपना उदाहरण देंगे, या फिर स्वाध्याय के लाभ उन्हें बताएंगे, पुस्तकालय में उन्हें अनिवार्य रूप से बैठने को कहेंगे, या उनके लिए अच्छा सा साहित्य उपलब्ध कराएंगे। तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उनके लिए अच्छा सा साहित्य उपलब्ध कराएंगे। यदि उनको एक अच्छा साहित्य मिलेगा जिसमें उनका मन लगे, उनको रुचि आए, उनको इंटरेस्ट आए, तभी जाके वो पढ़ेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, क्योंकि उनको उदाहरण देंगे तो उनको कोई मतलब नहीं है। स्वाध्याय से लाभ उन्हें बताएंगे, ये भी बता सकते हैं है ना, पुस्तकालय में उन्हें अनिवार्य रूप से बैठने को कहेंगे, ये भी कितना बार कहेंगे, आप बार बार उनको पकड़ के बैठा नहीं सकते हो। तो उनके लिए एक अच्छा सा साहित्य उपलब्ध कराएंगे जिसमें उनको रुचि लगे, पढ़ने में उनकी इच्छा हो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। आपके विचार से छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों कराना चाहिए, जो आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके विचारों से छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों कराना चाहिए, इसके ज्ञान के अध्यापक स्वयं को स्वस्थ रख सकेगा, छात्रों को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकेंगे, इसके ज्ञान से छात्र स्वयं को स्वस्थ रख सकेंगे, इससे विद्यालय में स्वास्थ्यप्रद वातावरण रहेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान रखना, छात्रों यानी कि इसके ज्ञान से अध्यापक स्वयं को स्वस्थ रख सकेगा ये तो बात नहीं होती है, छात्रों को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय किन विधि का प्रयोग सबसे अधिक करना चाहिए, जो अध्यापक है यदि वो साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, प्रोजेक्ट विधि का, भाषण विधि का, पर्यटन विधि का, पाठ्य पुस्तक विधि का। तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा उनको भाषण का नहीं करना चाहिए, पर्यटन का नहीं करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक का नहीं, उनको करना चाहिए प्रोजेक्ट विधि का। यदि प्रोजेक्ट विधि का जितना ज़्यादा जिक्र करेंगे उतना ज़्यादा उसके रिजल्ट आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, अध्यापक को छात्रों को इस बात के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे उससे प्रश्न करें, यानी जब आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भैया आप पढ़ो और पढ़ने के बाद मेरे से प्रश्न करो, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें वह प्रोत्साहित करें। अध्यापक को बच्चों को प्रश्न पूछने नहीं देना चाहिए, उसे कुछ ही छात्रों को प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, या कभी कभी छात्रों को अनुमति दे देनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें और प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें का उत्साह बढ़ाना चाहिए, जिससे दूसरे बच्चे भी देखकर सुनकर प्रश्न कर सकें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर आप क्या यह आवश्यक समझते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को उनके नाम से पुकारना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों। देखिएगा, आप यह आवश्यक समझते हैं कि जो अध्यापक हैं, अध्यापक को अपने छात्रों को उनके नाम से पुकारना चाहिए, बिल्कुल पुकारना चाहिए, इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होती है। मैं यह व्यर्थ ही मानता हूँ, इससे अध्यापक का बच्चों में स्थान बनेगा, इससे बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे। तो देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा, जब कोई टीचर है और उस बच्चे को जब वो नाम लेकर बुलाते हैं तो टीचर और बच्चे के बीच एक घनिष्ठता बढ़ती है, एक
अच्छे संबंध बढ़ते हैं, अच्छे रिलेशन बनते हैं, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करेंगे। यदि पढ़ाते समय बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करेंगे। आप उन्हें डांटकर बैठा देंगे, उन्हें छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे जो पढ़ने में होशियार हैं, आप सभी छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, आप उन सभी प्रश्नों को स्वीकार कर लेंगे जो पाठ से संबंधित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा कि सबसे पहले हमें उन सभी क्वेश्चंस को एग्री करना चाहिए, उनको सभी को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो पाठ से संबंधित हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं एवं छात्र आपस में बातें कर रहे हैं तथा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप कौन सा निर्णय लेंगे या क्या निर्णय लेंगे। आप सोचेंगे कि आज के बच्चों को पढ़ने में रुचि समाप्त होती जा रही है, आप सोचेंगे कि कहीं आपके पढ़ाने में तो गलती नहीं हो जो रुचि नहीं ले रहे हैं, आप कक्षा छोड़कर बाहर जाएंगे, आप छात्रों की शिकायत प्राचार्य से करेंगे। तो देखिएगा, सबसे बेस्ट यही चीज़ होती है जब हम कुछ चीज़ बोल रहे हैं, यदि हम कुछ पढ़ा रहे हैं और सामने वाले यदि नहीं सुन रहे हैं तो हमें ये पता करनी चाहिए कि हमारी गलती कहाँ हो रही है जिससे बच्चा उसमें रुचि नहीं ले रहे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है। जो शिक्षक हैं उनको सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है। इससे अध्यापक में आत्मविश्वास आता है, अध्यापक नवीनतम ज्ञान को समझने में समर्थ होते हैं, अध्यापक को व्यवहारिक प्रोन्नति मिल जाती है, यह अध्यापक को एक अच्छा शिक्षक बनाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, अध्यापक हमेशा इन चीज़ों से क्या होते हैं, नवीन ज्ञान को समझने में सक्षम होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए। जो प्रौढ़ शिक्षा होती है उसका अधिकार किसे सौंपना चाहिए। सरकारी तंत्र को, निजी तंत्र को, शिक्षित व्यक्ति को और सरकारी एवं निजी तंत्र को। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, यानी सरकारी एवं निजी दोनों को आपको सौंपना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही रहेगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट्स हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट्स हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि आपने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के नोट्स नहीं मंगाए हैं तो नोट्स मंगा लीजिएगा। AS अकेडमी के द्वारा हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं जो सभी सब्जेक्ट के हैं, और सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए नोट्स मंगाएं, घर पर बैठ के तैयारी करें और अच्छे अंक लाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस।